नाइन न्यूज एस पी नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। आगरा और मथुरा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ब्रिज के मतदाताओं को अपने भाषणों से रिझाने का प्रयास करेंगे। आगरा और मथुरा में कांग्रेस महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। आगरा में आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार करेंगी। वह करीब दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगी। इसके बाद मथुरा में आकाशवाणी केंद्र से चुनाव प्रचार आरंभ करेंगे। वहां से वह वृंदावन गेट चौक बाजार होते हुए विश्राम घाट पहुंचेंगी। विश्राम घाट पर वह यमुना पूजन करेंगी। यहां से वह खुली गाड़ी में रोड शो करते हुए होली गेट पहुंचेंगी। डी गेट पर रोड शो को समापन होगा। मथुरा के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगरा के खैरागढ़ में रोड शो करेंगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने बताया कि प्रियंका गांधी दोपहर 2 बजे मंडी समिति पहुंचेंगी। यहां से कार द्वारा खैरापुर मुख्य बाजार तक रोड शो करेंगी। इस दौरान प्रत्याशी रामनाथ सिंह शुक्रवार के समर्थन में वोट मांगेगी। तकरीबन 3 किलोमीटर तक जो लोगों से जनसंपर्क करने के बाद वह रवाना हो जाएंगी। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मंगलवार यानी कि आज आगरा के खैरागढ़ विधानसभा के कागर हॉल में जनसभा को संबोधित करेंगे। आरएलडी जिला अध्यक्ष नरेंद्र बघेल और प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर पहुंचेंगे और सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी रोहतान सिंह के लिए वोट मांगेंगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिएगा एसपीएन9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।